فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्द सना और तारीफ व तस्बीह अल्लाह तआला जलालहू के लिए खास है और दुरूद व सलाम इमाम रसूल खतीब उल अंबिया सैयद बुल्द आदम रसूल मुहतशम नबी मुअज्जम इमाम हुदा रसूल खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबिही वसल्लम की ज़ात वाला सिफात के लिए मुख्तसर कलिमात हम्द व सलात के बाद जिंदगी के शबो रोज अपने मदार में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो 12 महीने साल के मुकर्रर किए हैं वो घूम फिर के पलट पलट के हमारी जिंदगियों में आ रहे हैं। हर महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा वाकया तारीख का और दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला मौजूद होता है जो इंसानी जिंदगी के लिए एक इनकलाब की बुनियाद हो सकता है, एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। रबीउल अव्वल का महीना भी ऐसे ही इस्लामी साल का एक महीना है। शरई तौर पे अगर देखा जाए तो इस महीने की कोई खास अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि इस महीने में हम सब के आका व मौला सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और इसको इत्तेफाक कहा जा सकता है कि इसी महीने में आपकी वफात हुई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक आपकी उम्र के इब्तदाई 40 साल हैं जिनमें आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की हैसियत से मुआशरे में मारूफ थे और एक उसके बाद के 23 बरस हैं जिनमें आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से दुनिया के सामने आए। आपकी जिंदगी के ये दोनों हिस्से पाकीज़ा ताहिर मुतहर और इंतहाई आला साफ सुथरे किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, शान के एतबार से, मुकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, मंजिलत के एतबार से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो पाकीजा और साफ सुथरा था। जब तक आप नबी नहीं बने उस वक्त तक भी आप शिरक से बेजार रहे। सारी जिंदगी आपने कभी शिरक नहीं किया, सारी जिंदगी आपने कभी लगब और बेहुदा गोई नहीं की, सारी जिंदगी आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, सारी जिंदगी आपने कभी किसी को बदतमीजी और बद तहजीबी से नहीं बुलाया और नबूवत मिलने के बाद तो आपकी जिंदगी पर
यानी हम जब कुरान का मुतालिया करते हैं तो हमें ये पता चलता है, सीरत का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि आकाए करीम ने अपनी नबूवत की सबसे पहली दलील जो दी थी ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सबसे पहली दलील आपने अपनी जिंदगी के 40 बरस उनके सामने रखे थे। जब आप खड़े हुए कोहे सफा पे तो आपने खड़े होकर यह ऐलान किया था कि मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा है, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, मेरी जिंदगी के 40 बरस सफेद चादर की तरह तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ इन 40 बरसों की सफेद चादर पर झूठ का कोई दाग, कोई निशान, कोई धब्बा आपको नजर आता? मेरी सारी कायनात के रब की कसम उठाए कहता हूं, अंबिया के बाद यानी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उनके बाद कायनात का कोई बंदा दावे से ये नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी सारी जिंदगी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरी किताब जिंदगी बिल्कुल सच्चाई के साथ ये साफ है, बिल्कुल साफ है, कोई झूठ का दाग नहीं है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान पूरा मुआशरा बुला के अरब के तमाम बड़े कबाइल के लोगों को अपने सामने खड़ा करके सवाल किया था, मेरी जिंदगी के फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा तुम्हारे दरमियान गुजारा है, मेरे बचपन से लेके मेरे लड़कपन तक, मेरे लड़कपन से लेके मेरी नौजवानी तक, मेरी नौजवानी से लेके मेरी जवानी तक, और आज जब मैं बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहा हूं, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी नजरों के सामने है, एक ही सवाल करता हूं, हल वजद तुमूनी सादिकन अम काज़िबा, क्या तुमने मुझे सच्चा पाया है या झूठा पाया है? कभी मेरी जुबान से झूठ सुना? कभी मैंने किसी को धोखा दिया हो? कभी मैंने किसी से गलत बयानी की हो? कभी मैंने किसी से फ्रॉड किया हो? कभी मैंने किसी के साथ कोई ऐसी हरकत की हो जो मुआशरे में बदतमीजी और बदतहजीबी गिनी जाती है? अल्लाह अकबर, क्या जिंदगी है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने दलील के तौर पे अपनी उम्र को पेश किया था कि मेरी सारी उम्र गुजरी है, तो सारी कौम बैक पता तो था नहीं किसी को आप क्या कहने वाले हैं, सारी कौम ने बयत जुबान ये कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, ऐ सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि तूने सच के सिवा अपनी जुबान में कभी को लफ्ज नहीं आता, तूने हमेशा सच बोला। फिर आपने ये साथ रुपया, अच्छा ये बताओ अगर मैं तुम्हें ये कहूं मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, तुम नीचे हो, तुम्हें पहाड़ के पीछे की सूरत हाल का इलम नहीं है? अगर मैं यहां पे खड़ा होकर तुम्हें कहूं कि किस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की एक फौज तुम पर हमला करने वाली है, क्या मेरी ये बात भी मान लोगे? कौम हंस पड़ी, कहने लगी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बातें कर रहे हो आप, हम कह रहे हैं आपकी जिंदगी में आपकी जुबान में कभी झूठ सुना ही नहीं, और अब तो आप ऊंची जगह पे हैं, पीछे देख रहे हैं, आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। मेरा कहने का फरमाया, मैं इससे भी बड़ी बात तुम्हें बताने लगा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, फिर क़यामत आएगी, तुमसे सवालों जवाब होंगे, हिसाब होगा। मैं तुम्हें दावत देता हूं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें यह कहता हूं, ये जितने बुत है ना, ये जितने खुदा बनाए हुए हैं, इनकी मोहब्बत दिलों में बसाई हुई है, इन सब को तहस नहस कर दो और एक अल्लाह के सामने झुक जाओ। नबूवत की सबसे पहली दलील आपने अपनी पूरी जिंदगी को पेश करवाया था। हजरत गिरामी, अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, 21वें पारे के आखिरी कलमात है, तकरीबन आखिरी रुकू है, शुरू होता है, मैं लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नमूना है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। सुबह बेदार होने से लेके रात दोबारा सोने तक, कारोबार से लेके तिजारत तक,
معاملات سے لے کے عہد بنانی اقتدار تک زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما رہے ہیں؟ آج ضرورت اس عمر کی ہے، آج ضرورت اس عمر کی ہے، جیسے ہی ماہ ربیع الاول چڑھتا ہے میلاد منانے پہ لگ جاتے ہیں کہ جناب ہم میلاد منائیں گے۔ بھائی میلاد منانے والی چیز نہیں ہے، میلاد ماننے والی چیز ہے، میلاد کو تسلیم کرنے والی۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ دنیا کا کون سا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے؟ ساری کائنات اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ آمینہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر میں، آپ قریش میں، آپ بنو ہاشم میں آپ پیدا ہو کے، آپ پیدا ہوئے دنیا میں آیا، کون انکار کرتا ہے؟ آپ جس گھر میں آئے وہ گھرانہ سر ساری کائنات سے اعلیٰ گھرانہ، آپ جس خاندان میں آئے وہ خاندان ساری کائنات سے اعلیٰ خاندان، آپ جس قبیلے سے آئے وہ قبیلہ ساری کائنات کا اعلیٰ قبیلہ، آپ جس معاشرے میں آئے وہ معاشرہ، وہ زمین، وہ مکہ ساری کائنات کی زمینوں سے سب سے اعلیٰ، اور آپ کا مدفن جہاں بنا مدینہ وہ ساری کائنات کے شہروں سے سب سے اعلیٰ شہر، سب سے بلند و بالا شہر، کون کہہ رہا ہے؟ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے، بھائی کون انکار کرتا ہے؟ ہمارے پنجابی زبان کے شاعروں نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں کراتی ٹھٹھا محمد پیارا، چنو جو دمی سی تے کوئی کوئی ستارا، میں دوہاں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدن دس آیا میرے پیغمبر دا چہرہ بد نظری آیا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے پوری کائنات کے حسینوں کا حسن اکٹھا کرے، میرا تو عقیدہ ہے میرے پیغمبر کے رخسار کے حسن کے برابر بھی وہ حسن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو بنایا پر قلم توڑ دیا، اللہ بنانے پہ قادر ہے لیکن اللہ بناتا نہیں ہے، اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ کائنات میں حسن و جمال کا ایک ہی پیکر رب نے بنایا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بھی ہر عیب سے پاک، آپ کی صفات بھی ہر عیب سے پاک، مانتے ہیں آپ کے حسن و جمال کو بھی مانتے ہیں، آپ کے رخساروں کی خوبصورتی کو بھی مانتے ہیں، آپ کے تلوار جیسے ناک کو بھی مانتے ہیں، آپ کے موتیوں جیسے چمکتے ہوئے دانت کو بھی مانتے ہیں، آپ کے گلاب کی پکھڑیوں جیسے کھلے ہوئے ہونٹوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کی خوبصورتی اور نشیلی آنکھوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کی کالی زلفوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کے حسن و جمال میں کسی کو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ایک مومن کا عقیدہ، مومن کا ایمان ہوتا ہے، لیکن حضور اس کے ماننے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، مانتے تو سارے تھے، آپ کو سارے مانتے تھے۔ ابو لہب کب ابو لہب بنا؟ تبت یدا ابی لہب کب اس کے لیے آئی؟ جب اس نے میرے پیغمبر کو مانا، میرے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، میرے پیغمبر نے جو کلمہ دیا اس کلمے کو نہیں مانا تھا، میرے پیغمبر نے جو نظریہ حیات دیا اس نظریے کا انکار کیا۔ تو وہ ابو لہب جو عبدالعزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب اسے اتنا کہتے تھے، وہ مکے کا بڑا خوبصورت جوان تھا، اس کے رخسار سرخ تھے ایسے جیسے شعلے لپٹتے ہیں، لہب کہتے ہیں شعلے کو، ابو لہب کہتے ہیں شعلوں والے کو، اس کی کنیت ہی ابو لہب پڑ گئی تھی کہ اس کے رخسار اتنے پیارے ہیں، لیکن یہ اتنے پیارے رخسار جہنم کا ایندھن بن گئے جب رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب اور ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ۔ کون تھا یہ؟ وہی تھا جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا، یہ وہی تھا، خوشی منائی تھی، بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یتیم بتیجا پیدا ہوا ہے، خوشی منائی تھی۔ لیکن آج جب اس نے پیارے پیغمبر کا انکار کیا، دعوت کا انکار کیا، تو ابو لہب بن کے ہمیشہ کے لیے تائی جہنم کا نشان بن گیا۔ ہم بھی ماننے پہ لگے ہوئے،
लेकिन जो चीज मानने वाली है वो मानते नहीं है, जो चीज मानने वाली है उसको मना रहे हैं, और जो मनाने वाली है उसको मनाते नहीं है। जरूरत तो समझ गया प्यारे पैगंबर का उसवा अपनाया जाए। अल्लाह ने नमूना करार दिया मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी सारी जिंदगी ताहिर और मुताहिर है। जिगर पे हाथ रख के बताओ, हमने जितनी जिंदगी गुजारी है उसमें कितनी ताहिर और मुताहिर है? हमारी निगाहों में हया कितनी है? हमारे हाथ कितना जाती से बचते हैं? हमारे पांव कितना गलत कार्यों से बचे हैं? नाम लेते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन जैसे बन के तो दिखाओ। मेरे रब ने कहा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नमूना है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कहा करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं सीरत की किताबें पढ़ता हूं तो बड़ा हैरान होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज होते थे, घर में बीवियों से लड़ाई भी हो जाती थी, आप उनसे तलक भी कभी बोल लिया करते थे। इंसान थे ना, खुदा की कसम, आपने उनसे अपनी बीवियों से नाराजगी का इजहार किया तो ये भी हमारे लिए उसवा है, इसमें भी हमारे लिए नमूना है कि लड़ाई करनी है तो वैसे करो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हक पमाल नहीं किए, आपने किसी को ए तो ए कह के नहीं बुलाया, आपने किसी को गाली नहीं दी। हजरत अनस फरमाते हैं खत्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन, मैंने अल्लाह के रसूल की 10 साल खिदमत की है, 10 साल आपके घर में रहा हूँ, 10 साल आपकी खिदमत गुजारी करता रहा हूँ, और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सालों में मुझे कभी ओए कह के नहीं बुलाया, मुझे कभी डांटा नहीं, कभी झिड़का नहीं। प्यारे पैगंबर के मानने वालों, आपके घरों में भी मुलाजिम होते होंगे, आपके घरों में भी काम करने वाले छोटे बच्चे होते होंगे, उनसे भी नुकसान हो जाता होगा, उनसे भी कोई चीज टूट जाती होगी आपकी, कभी उनको मारने से पहले, गाली देने से पहले कभी मेरे पैगंबर की तरफ निगाह दौड़ाया करो। उन्होंने अपने खुदाम को कभी गाली नहीं दी है, उन्होंने अपने गुलामों को कभी गाली नहीं दी है। हम सीरत 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 की बात करते हैं, हम कहते हैं सीरत अपनाओ, मेरे पैगंबर जैसा उसवा अपनाओ, मेरे नबी जैसी बातें अपनाओ। मेरे नबी के बोलने का अंदाज क्या था, मेरे नबी के बैठने का अंदाज क्या था, मेरे नबी के चलने का अंदाज क्या था, मेरे पैगंबर के जो है ना वो किसी मजलिस में दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाने का अंदाज क्या था, मेरे पैगंबर की तिजारत का अंदाज क्या था। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, और अल्लाह ने अपने पैगंबर को वो प्रोटोकॉल दिया, वो शान और अजमत दी है, कायनात में किसी को नहीं मिली। 1,24,000 अंबिया को भी वो मुकाम नहीं मिला जो मेरे मोहम्मद को मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपका हाल क्या था? अना सैयद बोलते आदम, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूं। फसाद क्या चाहते हैं? वला फखरा, मैं फखर नहीं करता, मुझे अल्लाह ने बनाया, मेरा कोई कमाल नहीं है। यहाँ पे आज थोड़ा सा कुछ 8 पैसे आ जाए, कोई मनसब मिल जाए, मुआशरे में कोई इज्जत मिल जाए, तो हम जनाब अल्लाह को आंखें दिखाने लग जाते हैं। हमारा हाल ये है, और प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अना सैयद बोलते आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ, आदम की बड़ी नौ इंसान का सरदार हूँ। वला फखरा, मैं फखर नहीं करता इस बात। क़यामत के दिन बेअदील लिवाउल हमद, क़यामत के दिन मेरे हाथ में झंडा होगा तारीफ का। वला फखर, मैं फखर नहीं करता, मैं जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाऊंगा। वला फखर, मैं फखर नहीं करता, ये मेरे पैगंबर की आजिज़ी है। कभी हमने भी ऐसी आजिज़ी इख्तियार की है? कलमा तो मोहम्मद का पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा उनका पढ़ते हैं, नबूवत उनकी मानते हैं, लेकिन हम बातें नहीं करते। मैंने किया, अल्लाह ने मुकाम ये दिया, क्या दिया? वमन युती रसूल फकद अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह ही की इताअत करेगा। दोनों की जातें अलग है लेकिन बात एक है, जात अल्लाह खालिक है, मोहम्मद मखलूक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आबिद है, अल्लाह माबूद है, प्यारे पैगंबर आबिद है, इबादत करने वाले हैं। अल्लाह खालिक है, आप मखलूक हैं,
अल्लाह सुबहानहू व तआला मस्जूद है, सजदा किया जाता है अल्लाह को, और हम साजिद हैं, प्यारे पैगंबर साजिद थे, अल्लाह को सजदा करने वाले थे। बात जात दोनों की अलग अलग है लेकिन बात एक है। फरमाया वो मैं यूँ रसूल फकत आता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह ही की इताअत करेगा। क्यों? अल्लाह ने खुद वजात फरमाई, वो मैं फरमाया कि अल्लाह का अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा पैगंबर वो है जो अपनी मर्जी से बोलता भी नहीं, मेरा नबी वो है जो मेरी वही के साथ बोलता है, जो मैं बुलाता हूं वो बोलता है, जो मैं कहता हूं वो करता है। अल्लाह ताला ने इतनी शान दी, फरमाया पैगंबर तेरा गुनाह है ही कोई नहीं, तू पाक है, गुनाहों से पाक है, तुझे गुनाहों से पाक कर दिया, बिल्कुल बरी है तू। ऐलान हो गया, प्यारे पैगंबर ने इबादत बढ़ा दी और इबादत बढ़ा दी, पाओ पे सोज आ गई, बर्फ आ गया। माजी आयशा फरमाती है आका इतने अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए, गुनाह आपका है ही नहीं, गुनाहों से पाक हो गए आप, अल्लाह ने आपको गुनाह करने नहीं दिया, इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं कि पाओ पे बर्फ आ गई है। बजाता है वर्मा मेरे रब ने मुझ पर इतना बड़ा इनाम किया, अफला कौन अक्तन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनू। कुर्बान दो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत पे, अल्लाह ने जितना ऊंचा मुकाम दिया उतनी आजदी इख्तियार की। यहाँ पे जैसे जैसे बंदे के पास पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे बंदा रब से दूर होता जाता है, जैसे जैसे मनसब मिलता जाता है वैसे वैसे मस्जिद से दूर होता जाता है, जैसे जैसे मुकाम और शान मिलती है वैसे वैसे दीन से दूर होता जाता है। और कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं एक और प्रोटोकॉल मेरे पैगंबर का, समय वमयू शादी के रसूल इम्बादी माता भैया लहुल होता भैया तभी गैर सवीर मोमिनीन। फरमाया वो जो हक बात आ जाने के बाद, हिदायत वाजे हो जाने के बाद, जो रसूल की बात से इख्तलाफ करे, और भैया तभी गैर सवीर मोमिनीन, और रसूल की बात मानने वाले मोमिनों के रास्ते चल के चले, अल्लाह फरमाते नुवल्ली ही मा तबल्ला वनुस्री ही जहन्नम वसाअत मसीरा। हम जिधर को जाना चाहता है फेर देंगे उसको, जाए वो हम आजाद कर देंगे, उसकी डोरियां खोल देंगे, उसको मोहलत दे देंगे, जाए जिधर वो जाना चाहता है। वनुस्री ही जहन्नम मंजामे कार उसको जहन्नम में डालेंगे। वसाअत मसीरा ये बहुत बुरी जगह है, ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे अल्लाह ऐलान करता है कि मैं उसको जहन्नम में फेंकूंगा, और जो कहे कि मैं अल्लाह के रसूल की बात ही नहीं मानता, मैं अल्लाह के रसूल को ही नहीं मानता, मैं तो अल्लाह के रसूल को मनाऊंगा झंडियां लगा के, कुमकुमे लगा के, चूना गच फेर के, अपने घरों को लाइटों से रोशन करके मैं तो ये काम करूंगा। अल्लाह के रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी वो मेरा सरदर्द नहीं है, अल्लाह के रसूल ने जिंदगी कैसे गुजारी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मैं तो यूरोपी तहजीब को अपने लिए रोल मॉडल समझता हूँ, मैं तो उनको जनाब अपने लिए सारा कुछ समझता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मान के अपने आप को तकिया रूस और पुराने जमाने का लोग नहीं बना सकता मैं, मुझे बताइए फिर ईमान कहाँ गया? फिर ईमान हजरात फिर ईमान कहाँ गया? अल्लाह फरमाते हैं वमन युशाकिक रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वादे तौर पे आ जाने के बाद जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे, वयत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीन और मोमिनों का रास्ता छोड़ दे, फरमा फिर क्या उसके बाद क्या है? नुवल्ली ही मा तबय्यन, फिर हम उसकी रस्सी जोड़ी भी जोड़ दें, जिधर जाना चाहता है चाहे यूरोप में जाए। बरियाकर फरमा अलमर उमावन अहबा, एक साहबी आया था ना तड़पता हुआ, आका बड़ा परेशान हूं। फरमाया मेरे लाड क्या हुआ, क्या बात है? काका यहाँ पे मैं घर बैठता हूँ ना तो मैं बेचैन हो जाता हूँ आपकी जुदाई से, मैं दौड़ता हुआ आता हूँ आपका चेहरा देखता हूँ गम गलत हो जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, लेकिन आज मुझे एक नई सोच आई है। जकर तू मौती व मौता का, मैंने अपनी और आपकी मौत को याद किया है, मैंने सोचा आपने भी दुनिया से चले जाना मैंने भी चले जाना,
आका आप जन्नत में अंबिया के साथ होंगे, आप जन्नत में बड़े बड़े औलिया के साथ होंगे, आपका दर्जा सबसे बुलंद होगा। आपका ये फकीर गुलाम क्या करेगा वहां पे? यहां तो आपको देख के गम मिटाते हैं, वहां क्या बनेगा हमारा? मेरे साथ अलमरु मामन हब्बा, मेरे साथ ही खुश हो रहा बंदा जिससे मोहब्बत करता है क्यामत के दिन उसके साथ ही उठाया जाएगा। हजरत अनस तड़प उठे, कहते हैं हमें जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात से खुशी हुई। और उसके बाद फरमाया करते थे मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूं, अगर से मेरे अमल अबू बकर उमर जैसे नहीं है लेकिन मैं मोहब्बत करता हूं, कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे उनके साथ उठा दे। अलमरु मामन अहब्बा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ उठाए जाओगे। अगर अल्लाह के रसूल को छोड़ के यूरोपी तहजीब और कल्चर से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें उनके साथ उठा देगा। ये तो किस्मत है ना अपनी। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उस्वा बनाया। और फिर मेरे आका ने खुद ये बात इरशाद फरमाई, कुल उम्मती यदखुलून अल-जन्नत, लोगों मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, सारी उम्मत। लेकिन साथ ही फरमाया इल्ला मन अबा, मगर वो नहीं जाएगा जो इनकार कर देगा, जो जाने से इनकार कर देगा, जो कि मैंने नहीं जाना। अब सहाबा किराम तड़प उठे, अल्लाह के रसूल को कौन नसीब है जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा? कौन है वो जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन अतानी दखल अल-जन्ना व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी बात मानी, मेरी इताअत की, मेरी फर्माबरदारी की, मेरे नजरिए पे चला, मेरे कलमे को माना, मेरी बात को तस्लीम किया, मेरे जैसी जिंदगी गुजारी, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और जिसने इन कामों से इनकार किया उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। झांका कीजिए अपनी जिंदगी में, जश्न मनाएंगे, नारे लगाएंगे, सड़कों पर आएंगे, कुमकुमों से गलियां सजाएंगे, मस्जिदों में लाइटें लगाएंगे, अपने घरों में ये तमाम करेंगे, हलवे मांडे पका के तकसीम करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। और मेरे भाई ये क्यों करते हो? ये हम मोहब्बत रसूल का इजहार करते हैं। मोहब्बत रसूल का इजहार जुबानी कलामी इन बातों से नहीं होता, मोहब्बत रसूल का इजहार अमल के साथ होता है। अमल के साथ प्यारे पैगंबर जैसे अमल कीजिए। कैसे? मेरे पैगंबर ने सारी जिंदगी सच बोला। पता ना जब मक्का वालों ने शर्त लगाई ना, मैंने कहा जनाब ये हजरे अस्वद कौन रखेगा? बैतुल्लाह का अमीर हुआ, हजरे अस्वद रखने की बारी आई, सब कहे जी ये सआदत मुझे, ये सआदत मैं, ये सआदत मैं। सारे कबीले करीब तक लड़ पड़े। एक दाना आदमी ने मशवरा दिया, उसने कहा यार ऐसे लड़ो ना, इसको यहीं पे पड़ा रहने दो, दिन चढ़ने वाला है, रात गुजर गई है, जो सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल होगा उसे फैसला करवा लेना, वो साजिश बन जाएगा तुम्हारा। अभी इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे पैगंबर तशरीफ लाते हैं, कुर्बान जाऊं। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा जा सादिक, जा अमीन। और लोगों मुबारक को कायनात का सबसे बड़ा सच्चा आ गया, कायनात का सबसे बड़ा अमानतदार आ गया, जा सादिक जा अमीन। मेरे पैगंबर से फैसला करवाया। मेरे पैगंबर ने इतना खूबसूरत फैसला किया, फरमाया कि चादर बिछाओ, उसके ऊपर हजरे अस्वद रखो, सारे सरदार चादर को पकड़ के उठाओ ऊपर को। सारे सरदारों ने चादर पकड़ के उठाई, मेरे पैगंबर ने हजरे अस्वद अपने हाथ से लगा दिया, इसलिए कि अब ये हजरे अस्वद मोहम्मद के नाम से मंसूब हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोचिए, हजरत उमर ने ऐसे तो नहीं कहा था हजरे अस्वद को देख के, ना तो नवे का मालिक है ना नुकसान का मालिक है, है तेरी है तू पत्थर ही है, मुझे पता है पत्थर है, तुझे चूमता इसलिए हूं कि तुझे मेरे मोहम्मद ने चूमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का ये इजहार होता है। मेरे पैगंबर ने सच बोला, फैसला कर ले आज के बाद सच बोलेंगे। मेरे पैगंबर ने दयानतदारी, कबल नबूवत माजी खदीजा का सामान लेके जब माले तजारत लेके आप गए ना, तो काफिला अभी शहर से बाहर था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, सारा आधा माल गीला हो गया, आधा खुश रह गया। मंडी लगी, सारे ताजरों ने अपने अपने तंबू लगाए, अपनी अपनी किनातें लगाई, अपने अपने ठीये बनाए और सामान बेचने लगे। एक मासूम सी सूरत का ये नौजवान, इसने अपने माल को दो हिस्सों में तकसीम किया,
गीला गीला अलग कर दिया, सूखा सूखा अलग कर दिया। जो मंडी में रेट लेने आता कहते जी माल वही है, खजूर वही है, पनीर वही है, सारा कुछ है। ये गीला है इसके पैसे कम है, ये सूखा है इसके पैसे ज्यादा है। लोग हैरान रह गए, कहते हैं ये तो आज तक नहीं कभी हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ। लम्हों के अंदर सारी मंडी में बात गूंज गई कि यार इतना ज्यादा आदमी को बंदा हो सकता है। वही नबी है, नबूवत मिलने के बाद मंडी में जाते हैं और एक उसमें वो गंदम की ठेरी उसमें हाथ डाला, नीचे से कुछ गीला निकल आया। आपने उसको डांटा, फरमाया ये क्या, सका जी बारिश हो गई थी, फरमाया गीला अलग क्यों नहीं किया। मेरे आका ने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया मोती बकेरे मोती लो लो लाला गिराए, फरमाया मन गश्शा फलैस मिन्नी, तो मिलावट करेगा मेरा उम्मत ही नहीं है। और हमारा मिलावट के बगैर गुजारा ही नहीं होता। हम दूध में पानी मिलाते हैं, हम मिर्चों में ईंधे मिलाते हैं, हम हल्दी में पता नहीं क्या कुछ मिलाते हैं, हम ये सारी चीजें मिला के और फिर इश्के रसूल का दावा करते हैं हम सबसे बड़े आशिके रसूल है। इल्ला मन सा अल्लाह, मेरे पैगंबर ने सच बोला, सच बोलिए मेरे पैगंबर पे अमानतदार, मेरे पैगंबर अमानतदार थे। हमने अमानतदारी का कभी ख्याल किया, हमारे पास भी लोग अमानतें रखवाते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है दबाएगा फिर देखी जाएगी। मेरे पैगंबर को लोग कत्ल करने के लिए बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, हाथों में तलवारें लेके खड़े हैं। मेरे आका मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मोहम्मद निकलो यहां से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलो यहां से, जाओ मैं तुम्हारी इबादत करूंगा। मेरे पैगंबर सफर हिजरत पर रवाना हुए, लेकिन फिक्र किस बात की है, हजरत अली को बुलाए कहा यहां पे सो जाओ, ये चादर लो मेरी और सो जाओ, सुबह इन काफिरों की जो कत्ल करने वाले हैं ना, इन काफिरों की अमानतें वापस लौटा के मदीने आ जाना। ईमान हजरत अली का देखिए, किसी ने पूछा हजरत अली से, अली डर तो बड़ा लगा होगा उस दिन आपको, बाहर दुश्मन खड़ा है तलवारें नंगी हैं बड़ा मामला है, डर तो बड़ा लगा होगा। अली ने फरमाया मेरे पैगंबर मेरे आका मुझे कह गए थे आ जाना, तो कहा जिंदगी में कभी इतनी सुकून की नींद नहीं आई जितनी उस दिन बेसुकूनी की नींद आई, जैसे जितनी उस दिन सुकून की नींद आई है, बेसुकूनी पास नहीं पटकी, हर लम्हा सुकून के साथ गुजरा। मेरे आका ने कहा था आ जाना, इसका मतलब है मैंने जाना ही जाना था, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्यारे पैगंबर को अमानतों की फिक्र लगी हुई थी, फरमाया ये अमानतें दे के आना उनकी जो कत्ल करने के लिए बाया है। अमानतें हमारे पास नहीं, बाप फौत हो गया, बाप की जायदाद बड़े भाई के पास अमानत के तौर पे आ गई, छोटे भाई अभी बचे हैं, जैसे जैसे भाई बड़े होते जाएंगे अब ये बड़े भाई साहब कहेंगे ये तो सारी मेरी कमाई है, अमानत कहां गई। और सबसे ज्यादा लाइटें भी शायद उसी घर पे लगी हुई हो। 12 रबीउल अव्वल का जश्न मिलाद मनाया जा रहा है, बहनों का हक मार के बैठे हुए, भाइयों का हक मार के बैठे हुए, मोहल्लेदारों का हक मार के बैठे हुए हैं, गलियों बाजारों का हक मार के बैठे हुए हैं, लेकिन हम कौन है, माशी के रसूल हैं, हमें मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर का अखलाक देखिए और अपने अखलाक पर नजर दौड़ाइए। आका ने जाकर हदीस पढ़ रहा था बड़ा हैरान हुआ, मेरे आका ने जाकर मैं अल्लाह तसुब्बु शैतान, लोगों शैतान को भी गाली ना दो, जो बुराई का मंबा है, बुराई का मरकज है, गलतकारी का जो है ना वो मनहज है उसका, वो सिर्फ बुराई फैलाता है। मेरे आका ने अपनी जुबान से निकाला मोमिन का अखलाक इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो शैतान को गाली दे। ला तसुब्बु शैतान, शैतान को गाली ना दो। वतअअज़ु बिल्लाही मिन शर्रिही, अल्लाह से उसके शर से जरूर पना मांगो, शर से पना मांगो। ये मेरे पैगंबर की तालीम है। हम गाली अपने बेटे को गाली देते हैं, हम अपनी बेटी को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं, अपनी माँ को गाली देते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं। मेरे पैगंबर तो फरमाते हैं ला तसुब्बु शैतान, शैतान को भी गाली ना दो। और कुरान करीम में अल्लाह ने यह बात इरशाद फरमाई है बला तसुब्बुल लजीना यदउना मिन दुनिल्लाही फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैर इल्म, जिन खुदाओं को पूछते हैं ना तुम उन खुदाओं को भी गाली ना दो। जिन खुदाओं की, ये कुरान की तालीम है, वो मेरे पैगंबर की तालीम है। और अल्लाह के रसूल की एक और हदीस भी है, फरमा मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जो अपने माँ बाप के लिए गाली का बाइस बनता है, माँ बाप को गाली देता है। सहाबा किराम ने कहा अपने माँ बाप को कौन गाली देगा, फरमाया जो किसी के माँ बाप को गाली देगा वो पलट के जब गाली देगा तो इसका मतलब यह उससे खुद अपने माँ बाप को गाली दे रही।
یہ ہے میرے پیغمبر کی تعلیم, یہ ہے میرے پیغمبر کا اسوہ, یہ ہے میرے پیغمبر کا جو ہے نا وہ ماننے کا اعلان. ایسے مانے, فیصلہ کریں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے, فیصلہ کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, فیصلہ کریں آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے, فیصلہ کریں آج کے بعد جس کا جو حق ہے اس کو پلٹا دیں گے, لوٹا دیں گے. یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. میرے پیغمبر شرم و حیا کے پیکر تھے. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک کمواری اور شرمیلی لڑکی جتنی ہوتی ہے نا, کمواری ہو اور اس کے اندر جو شرم و حیا ہوتی ہے, شرم و حیا والی کمواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نظریں جھکا کے چلتے تھے, عز و انکسار کے پیکر تھے. آپ نے قربان کرو, جب مکہ فتح ہوا نا تو لوگوں نے آ کے بیعت کی, عورتیں بھی آئیں, انہوں نے کہا جی ہم بھی بیعت کریں گے. پردہ درمیان میں تنا اٹھتا, عورتیں ادھر تھی مرد ادھر تھے, اور پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے. ایک خاتون نے جو ان سب کی نمائندگی کر رہی تھی, انہوں نے اس پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, آقا ہم سے بیعت کیجیے. لوگوں یہ وہ ہے جس کو کائنات کی کائنات, جس کو مومنوں کی ماؤں کا شوہر کہا جاتا ہے, یہ محمد کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے, یہ سب سے بڑا طاہر اور متاہر ہے. اس کی فکر میں کبھی کجی نہیں آتی, اس کی سوچ قتل گندی نہیں ہے, یہ فکر, یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اخلاق کا مالک ہے. ایک خاتون نے ہاتھ آگے بڑھایا, میرے پیغمبر نے نظریں جھکا کے کافی بھی تھا پیچھے کھینچ لو, محمد غیر محرم کا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کے ماننے والے ہیں. شرم و حیا ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے, شرم و حیا ہمارے جوانوں سے نکل چکی ہے, شرم و حیا ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے, شرم و حیا ختم ہو چکی ہے ہماری. اور مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بازار سجیں گے, گلیاں سجیں گی, لائٹیں لگیں گی, جلیاں لگیں گی, اور دیکھنے والی بے پردہ اس قوم کی بیٹیاں ہوں گی, مائیں ہوں گی, اس قوم کی بہنیں ہوں گی جو آئیں گی, اور دیکھنے والے نوجوان ہوں گے جو جا کے ان سے شرارتیں بھی کریں گے, اٹکیلیاں بھی کریں گے, غیر محرموں کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے. ہم اس سبھی کو ماننے والے ہیں. یار یہ مذاق بنایا ہوا. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں عشق چڑھ جاتا ہے, محبت چڑھ جاتی ہے, ہم بڑے راضی ہوتے ہیں کہ بڑی محبت ہے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی آپ کی سیرت کا پہلو. آپ رات کو جب گھر آتے تھے نا, حدیث میں آتا ہے, ایک تو آپ دروازہ بہت آہستگی سے کٹکھٹاتے تھے تاکہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے, اور جو سویا ہوا ہے وہ بے آرام نہ ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ دروازے کے پاس اپنا جوتا اتار دیتے تھے تاکہ جوتے کی خسر پسر کے ساتھ کسی کی آنکھ کھل جائے. کمرے میں داخل ہو کے آپ السلام علیکم کہتے بڑی متم آواز کے ساتھ تاکہ جاگنے والا جواب دے لے اور سویا ہوا بے آرام نہ ہو. میں بھی گھر جاتا ہوں, آپ بھی گھر جاتے ہیں, کبھی ہم نے ان باتوں کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ان باتوں کا؟ کبھی دیکھیے تو صحیح, کبھی سوچیے تو صحیح. حضور لمحہ فکریہ میرے پیغمبر اسوہ ہے. کیا گھر میں معاملات کے لیے اسوہ نہیں ہے؟ آپ کا اسوہ صرف مسجد کی حد تک ہی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, صرف یہی اسوہ ہے آپ کا. گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے, اٹکیلیاں بھی کیا کرتے تھے. ہم گھروں میں چلے جائیں تو آدم بو کی آوازیں آنے لگ جاتی کہ بڑا خطرناک کوئی شخص آ گیا گھر میں, سارے دبک جاؤ, چھٹ جاؤ, خاموش ہو جاؤ, کوئی نہ بولے, ابا جی آ گئے, شوہر صاحب آ گئے. یہ سیرت ہم اپناتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اپنے دشمنوں کو, کن دشمنوں کو معاف کیا؟ اکثر آپ نے پڑھا, لیکن ایک دقت ذکر میں آج کرنا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی, بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھیں, آپ ہجرت کر کے چلے گئے. ان کے شوہر ابو العاص بن نبی گرفتار ہوئے, اور پتہ ہے نا
आपने कहा जंगे बदर में वो कैदी बन के आए ना, तो आपने कहा भाई फिदिया लाओ, सारे लोग फिदिया दे। इसने मक्के पैगाम भेजा, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने ना अपने गले का हार उतार के अपने शोहर को छुड़ाने के लिए भेज दिया। मेरे पैगम्बर के हाथों में वो हार आया, आप देखते ही आपकी आंखों से आंसू आ गए, कलेजा भर आया। आपको सैयदा खदीजा याद है, आपकी पहली बीवी जिसने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी के गले में अपना हार उतार के डाला। मेरे आका रोने लगे, सहाबाए किराम परेशान हो गया, आका क्या हुआ? फरमाया मेरे साथियों, अबुल आज की रिहाई के लिए ये हार आया है और ये हार मेरी दस्ते जिगर के गले से उतर के आया है। उसके पास और कुछ नहीं होगा, उसको छुड़ाने के लिए भेजा है। अगर तुम इजाजत दो, ये भी मेरे पैगंबर को हुआ है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये हार अपनी बेटी के गले में वापस भिजवा दू। अगर तुम चाहो तो यार, इतनी लाडली बेटी। सहाबा किराम मेरे पैगंबर के इशारे अबरू पे जाने कुर्बान करने वाले थे, यार कैसियत लगता था, खुशी से इजाजत दे दी। आपने अबुल आस को बुलाया, फरमाया देखो ये हार है, ये वापस ले जाओ, मेरी बेटी के गले में डालो, और तुम्हारा फिदिया ये है कि मेरी बेटी को वहां से अपने मदीना मुनव्वरा भिजवा दो, बस तुम्हारा यही फिदिया। हजरत अबुल आस पलटे, प्यारे पैगंबर ने अपने गुलाम को भेजा, अभी पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, अभी ये ऐसे इतने यानी कि वो जो मुशरिकीन से शादियों से मना नहीं किया गया था, अबुल आस मुशरिक थे, निकाह हुआ हुआ था, थे बड़े दाना और बहुत वफादार आदमी थे। जाके प्यारे पैगंबर से वादा किया, बेटी को भिजवा दिया। अब जब बेटी आने लगी तो एक हब्बार इब्ने अस्वद नामी एक शख्स था, उसने नेजा मारा जनाबा सैयदा जैनब की सवारी को, सवारी उछली, सैयदा जैनब गिर गई, हामिला थी, हमल जाया हो गया। प्यारे पैगंबर को पता चला उसी तकलीफ की वजह सैयदा जैनब की वफात हुई है, इसलिए सैयदा जैनब को शहीदा कहा जाता है, शहीद है वो। आप मदीना मुनव्वरा आ गई, तकलीफ बड़ी थी, आपको इस हब्बार से इतनी नफरत हुई, आपने फरमाया जहां मिले कत्ल कर देना इसको, बैतुल्ला मक्का फतह हुआ कत्ल का हो, कत्ल कर देना इसको। लोग अखबार को ढूंढते थे, अखबार छुप गया। एक दिन ना आप मदीना में आए, ये अखबार साहब सामने आ गए, अल्लाह के पैगंबर में अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके नादम होके इस्लाम कबूल करके आया हूं, मुझे कबूल कर लीजिए। इतना बड़ा दुश्मन, बेटी का कातिल जो था, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ एक निगाह जोड़ाई, गर्दन झुका ली, यकीन बेटी याद आई होगी, लेकिन वो पैगंबर आखरु जमा थे, वो हुस्न अखलाक का पैकर थे, अपने जाती अदावत को दिल में मौजूद थी उसके बारे में, वो बात जो आपके दिल में थी उसके बारे में, आपने उसको परे फेंका, हमें तेरा इस्लाम कबूल है। लोगो, हम अपने मुलाजिमों की गलतियां माफ करने को तैयार नहीं होते, हम अपने बच्चों की गलतियां माफ करने को तैयार नहीं होते, और नारा लगाते हैं हम इसके रसूल का, नारा लगाते हैं मोहब्बत रसूल का, नारा लगाते हैं हम, झंडियां लगाते हैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के इजहार के लिए। सोचिए, गौर कीजिए, लम्हा फिक्री है ये हम सबके लिए, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए इस रसूल की जिंदगी में नमूना है, ये रसूल की सारी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह सुभान व तआला हमें प्यारे पैगंबर के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि।